चाणक्य के बिजनेस नियम जो हर व्यापारी को पता होने चाहिए। इन नियमों को फॉलो कर आप भी खड़ा कर सकते हैं करोड़ों का साम्राज्य। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस से जुड़े उन नियमों के बारे में जिन्हें स्वयं चाणक्य नीति कहा जाता है। चाणक्य ने एक सफल व्यापार को बेहद अच्छे से परिभाषित किया है कि एक सफल व्यवसाय क्या होता है और कोई भी व्यापार सफल कैसे करते हैं। ऐसे कुछ चाणक्य नियम इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, जिसमें आप भी अपने बिजनेस को सफल बना सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक अच्छी टीम बनाएं। किसी भी बिजनेस को जब आप बड़े स्तर पर शुरू करते हैं, या फिर यूं कहें कि एक ऐसा बिजनेस जिसे आपने अकेले छोटे स्तर पर शुरू किया लेकिन अब उसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आप अकेले बड़े स्तर पर सभी कामों को मैनेज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको किसी न किसी के साथ की आवश्यकता होती है, जिससे आप उसकी मदद आसानी से व्यापार के काम संभालने में कर सकें। ऐसे में अब चुनौती होती है कि जिस लगन से, मेहनत से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो क्या दूसरे लोग भी आपकी तरह ही जोश के साथ काम करेंगे? तो ऐसे में आपको बेहद सतर्कता के साथ अच्छी टीम बनानी होती है, जो बिजनेस से जुड़े अलग अलग कामों को आसानी से परफेक्शन के साथ कर सके। अपनी सफलता को बांटें। एक अच्छा व्यापारी वही है जो अपने स्टाफ और टीम के लोगों को प्रोत्साहित करे, उनकी गलतियों को सुधार कर सही रास्ता दिखाए और उनकी मेहनत और लगन से जो फायदा और कामयाबी मिल रही है उसे उनके साथ शेयर करें। अपने आप को सफल रिजल्ट से हटाकर अपनी टीम को आगे रखें और यदि कुछ बुरा हो जाए तो एक लीडर की तरह आगे आए और जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। उदाहरण के तौर पर 1989 में हमारे देश ने पहला रॉकेट बनाकर लॉन्च करने की कोशिश की थी। तब कुछ तकनीकी कारणों से रॉकेट लॉन्च फेल हो गया। APJ अब्दुल कलाम जी इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे और वो लोगों का सामना करने से डर रहे थे। उन्हें इस बात का भी दुख था कि देश के करोड़ों लोगों का पैसा इस प्रोजेक्ट के फेल होने से बर्बाद हो गया। तब प्रोफेसर सतीश धवन जी, जो कि उस समय इसरो के चेयरमैन थे, वो कलाम जी के साथ मीडिया के सामने आए और उन्हें पूरे प्रोजेक्ट को फेल होने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। उन्होंने कहा, हम फेल जरूर हुए हैं लेकिन मुझे अपनी टीम पर भरोसा है और हम सफल होंगे, इस बात का भी यकीन है। इसके एक साल बाद ही कलाम साहब की डायरेक्शन में निपतेश ने पहले सेल्फ मेड रॉकेट से सैटेलाइट की स्थापना की। इसके बाद जब मीडिया से रूबरू होने की बात आई तो सतीश धवन जी ने माइक कलाम साहब के हाथ में दे दिया और उन्हें मीडिया को संबोधित करने को कहा। तो इस तरह एक सफल लीडर अपनी टीम को गाइड करता है। अपने कोष यानी फाइनेंस का ध्यान रखें। चाणक्य नीति कहती है कि एक सफल बिजनेसमैन को प्रतिदिन समय निकालकर अपने फाइनेंस पर नजर रखनी चाहिए, जिससे उसके अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस है, कितना बजट है और आने वाले समय में और कितनी जरूरतें हैं, उन सभी बातों का पूर्णतः ज्ञान रहे, जिससे बिजनेस में कभी भी घाटे की संभावना ना बचे। चाणक्य ने फाइनेंस पर ध्यान रखने के लिए 4 स्टेप्स बताए जिन पर हर व्यापारी को नजर डालनी चाहिए। वेल्थ आइडेंटिफिकेशन। आपको सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। एक बिजनेसमैन प्रतिदिन अपने खर्चे के बारे में सोचता है, ऐसे में आपको ये मालूम करना होगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा बढ़ाने के लिए कौन कौन से नए आइडियाज पर रिसर्च करनी होगी आदि। तो इस तरह से एक सफल बिजनेसमैन अपने सोर्सेज का पता करता है। वेल्थ क्रिएशन। पैसा बनाने के लिए बहुत अधिक मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। एक सफल आदमी से किसी ने पूछा कि सर, आपको सफलता एक रात में मिल गई, कैसा लग रहा है? तो उस सफल आदमी ने कहा, बेशक मुझे सफलता एक रात में मिली लेकिन ये रात बहुत लंबी थी। इसी तरह जब आप मेहनत के साथ काम कर रहे होते हैं तो धैर्य की परीक्षा भी होती है, यही आपको कामयाब बनाती है। वेल्थ मैनेजमेंट। पैसे का मैनेजमेंट ठीक तरीके से करना। किसी भी व्यापारी को ये तो पता ही होगा कि एक समस्या खत्म होती है, दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। जब भी आप एक समस्या का समाधान निकाल लेते हैं, उसे हरा देते हैं, तो आपको एक नई चुनौती मिल जाती है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए उसकी फाइनेंशियल जरूरतों को मैनेज करना और कमाया हुआ पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना या फिर बिजनेस में निवेश भी सोच समझ कर करना आदि स्टेप्स को बेहद सूझबूझ के साथ पूरा करना होगा, जिससे आपकी मेहनत का पैसा कहीं भी डूबे नहीं और आपका बिजनेस मजबूत रहे। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। पैसे को सही इस जगह पर खर्च करना, ये स्टेप अपने आप में बेहद जरूरी है कि आप कैसे अपने पैसे को खर्च करते हैं। चाणक्य के हिसाब से एक महान लीडर वो होता है जो अपने बनाए गए वेल्थ यानी पैसे को दूसरे की मदद के लिए खर्च करे। ऐसी जगह अपना पैसा निवेश करे जो किसी के काम आ सके, जैसे छोटे स्टार्टअप, छोटे व्यापारी आदि। इस तरह से आप अपना पैसा सुरक्षित करने के साथ किसी की मदद भी कर सकते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।